हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरा एंड डियरनेस। वेल, आपने कभी इस बात को रियलाइज किया है, ये जो डियरनेस है यानी जो महंगाई है, इसका अप और डाउन जाना सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? वेल, इससे पहले आज हम आपको एक और बात ये बताएंगे कि ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है वो एक्चुअली रियलिटी में कहां जाता है। सो फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं टुडेज वीडियो टाइटल मिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट इसके पीछे मेनली टू रीजन है। फर्स्ट रीजन, हाई डिमांड। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि एक मार्केट है और उस मार्केट में केवल चार ही दुकानें हैं, दो ग्रोसरी स्टोर और दो वेजिटेबल शॉप, और वहां जाकर आपको एक किलो प्याज और चार चिप्स की पैकेट को लेकर घर आना है और वो भी केवल 100 रुपीज में। वेल, पॉसिबल है, बट आज से 5 दिन बाद आप दोबारा से 100 रुपए लेकर मार्केट जाते हो और वहां जाकर उन्हीं दुकानों से वही सामान लेते हो जिसे आप पहले ले गए थे, लेकिन वो सामान उन दुकानों से नहीं मिलता जिनसे कि आप पहले ले गए थे। बट जैसे ही आप बची दो दुकानों पर जाते हो तो वहां जाकर आपको पता लगता है कि मेरे जैसे ही लोग उस सामान को लेने के लिए पहले ही लाइन में खड़े हैं। सो ऐसे में शॉपकीपर सामान को महंगा तो करेगा ही, क्योंकि लोग जिस सामान को लेने आ रहे हैं वो तो कम है, लेकिन जिस सामान को लेने लोग आ रहे हैं वो ज्यादा है। I mean, जिस सामान की सेल ज्यादा होगी वो एक ना एक दिन तो महंगा होगा ही, क्योंकि उस सामान की डिमांड तो ज्यादा होगी लेकिन सामान कम होगा। सेकेंड रीजन, गवर्नमेंट टैक्स। वैसे तो हम सबको पता ही है कि गवर्नमेंट हमसे कई प्रकार के टैक्स को कलेक्ट करती है, जैसे इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कई प्रकार के टैक्स है जिनकी वजह से सस्ती चीज महंगी हो जाती है और महंगी चीज यानी महंगाई। वेल, अब बात आती है कि गवर्नमेंट टैक्स को कहां कहां इन्वेस्ट करती है। फ्रेंड्स, हर बार ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट टैक्स को अच्छी ही जगह इन्वेस्ट करे, कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट टैक्स को गलत जगह इन्वेस्ट कर देती है और जिसका खामियाजा गवर्नमेंट से लेकर हमको भी भरना पड़ता है। वेल, अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट टैक्स को कहां कहां इन्वेस्ट करती है, सो लिसन फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर प्रकार की योजना, देश की सुरक्षा से लेकर आप जिस भी चीज को गवर्नमेंट की तरफ से देखते हो वो सब रुपया टैक्स का ही होता है। वेल फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।